प्रासाद लक्षण वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं सर्व साधारण प्रासाद देवालय का वर्णन करता हूं, सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जहां मंदिर का निर्माण कराना हो वहां के चाकोर क्षेत्र के 16 भाग करें। उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ, मंदिर के भीतरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करें तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करें। उक्त 12 भागों में से 4 भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई प्रासाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई रखे। शिखर के 4th भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखे। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों में निकलने का मार्ग द्वार बनाना चाहिए। वे द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। जिस तरह उसकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के भोग मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के गर्भसूत्र से दूना होना चाहिए। मंदिर के पाद स्तंभ आदि भित्ति के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हों अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुख मंडप, सभा मंडप या जगमोहन का भी रखें। तत्पश्चात 81 पदों स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का आरंभ करें। इनमें पहले द्वार न्यास के समीपवर्ती पदों के भीतर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करें, फिर परकोटे के निकटवर्ती एवं सबके अंत में पदों के स्थापित होने वाले 32 देवताओं की पूजा करें। ये प्रासाद का सर्व साधारण लक्षण है। अब प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रासाद का वर्णन सुनो। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावे। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करें और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठावे। भीतों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखें। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई करावे। शिखर की अपेक्षा 4th ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुख मंडप का भी निर्माण करावे। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथों के निकलने का मार्ग द्वार बनावे अथवा परिधि के 3rd भाग के अनुसार वहां रथों छोटे छोटे रथों की रचना करावे तथा उनके भी 3rd भाग के माप का उन रथों के निकलने के मार्ग द्वार का निर्माण करावे। 3 रथों पर सदा 3 वामों की स्थापना करें। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करें। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावे। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण करावे। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाएं। इसी प्रकार दूसरे पार्श्वों में भी सूत्रपात करें। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आलमसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल न बनाया जाए। जहां तक वेदी का मान है उससे ऊपर ही कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करें, खुदवावे। द्वार के चतुर्यांश में चंड, प्रचंड, ऋक्वक्सेन और वत्सदंड, इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करावे। गूलर की शाखाओं के अर्ध भाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी की श्री विग्रह को अंकित करें। उसके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहलाना उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्यांश के बराबर हो। प्रासाद के गोपुर की ऊंचाई प्रासाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण करावे। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनावावे। पूर्व दिशा में वराह दक्षिण में नरसिंह पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्निकोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्रीराम, वायव्य कोण में वामन और ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करें। प्रासाद रचना 8, 12 आदि सम संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए।
द्वार के अष्टम आदि अंश को छोड़कर जो वेद होता है वो दोष कारक नहीं होता है। मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन हैग्रव जी कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष चार मंदिरों में से अग्नि कोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, निर्मित कोण में नरसिंह की, वायव्य कोण में हैग्रीव की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्नि कोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा एक एक आठ दिशाओं में और एक बीच में इस प्रकार कुल नौ मंदिर बनवावें। पूर्व में से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम राम आदि मुख्य मुख्य नौ अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल नौ धामों में पांच मंदिर मुख्य बनवावें, इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृका गण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि नौ ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि दस अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्निकोण में चंडी की, नैमित्त कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्वरूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्वादि दिशाओं में केशव आदि द्वादश विग्रहों को स्थापित करें तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात ये श्रीहरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन सात वस्तुओं की बनी हुई सात प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमा बनने के बाद तुरंत पूजी जाती है, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूं, जहां प्रतिमा बनाने में शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवा लें। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वाले के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वो बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा ही हो तो वो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम हो जाती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारियां निकलती हो तो वह पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपर्युक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से अंत्र फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करें। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु या तुधान, राक्षस, गुहक और सिद्ध आदि हो अथवा जो भी हो उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की ये यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वो आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन्हें स्वप्न के अधिपति भगवान श्रीहरि को नमस्कार। देव देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ, मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए।
ओम ओम हुम फट विष्णुवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ दें, फिर अस्त्र की भी पूजा करें। कुदाल फावड़े टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करें, कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख पृष्ठ आदि उसे दिखा दें। कारीगर अपने इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चाकोर बनवा दें। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करें। उसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करें। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनवाएं।